दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उनके बारे में जिनकी बुलंद आवाज और रोकदार अभिनय की दुनिया कायल है। सन 1960 में बनी फिल्म मुगले आजम में अकबर के किरदार को कालचिए बनाने वाले पृथ्वीराज कपूर, आज भी फिल्मी दीवानों के दिलों पर राज करने वाले शहनशाह हैं। रोबिले शहनशाह का मुगले आजम फिल्म का ये संवाद भला किसे नहीं याद होगा। अगर आज शहनशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है। दोस्तों रुपहले पर्दे पर अभिनय के कई बारीक पहलुओं को अपने सशक्त अभिनय से साकार करने वाले इस बेमिसाल फनकार को कैंसर जैसे भयंकर मर्ज ने घेर लिया और 29 मई 1972 को इस फानी दुनिया को इन्होंने अलविदा कह दिया। डैडी, डैडी आप रो रहे हैं। सुना तुमने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? मेरे पिताजी जा रहे हैं। इंसाफ हमें बेटे से ज्यादा अजीज। जिन्होंने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को अपने उत्कृष्ट अभिनय से समृद्ध किया। रंगमंच और अभिनय के इतिहास पुरुष कहे जाने वाले एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, वो हैं पृथ्वीराज कपूर। दोस्तों पृथ्वीराज कपूर एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपनी कड़क आवाज़, रोकदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक सिनेमा के दर्शकों पर राज किया। नवंबर 1906 को पंजाब के नायकपुर में एक जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ था। उन्हें रंगमंच का चश्मा पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में पढ़ते समय ही लग गया था। 18 वर्ष में ही उनका विवाह कर दिया गया था, लेकिन अपने 3 बच्चों को अपनी पत्नी के सुपुर्द कर वे पेशावर से सपनों की नगरी मुंबई आ गए और यहाँ वे इंपीरियल फिल्म कंपनी से जुड़ गए। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में पृथ्वीराज कपूर ने सह अभिनेता का किरदार निभाया है। सन 1933 में पृथ्वीराज कपूर कलकत्ता के मशहूर न्यू थिएटर से जुड़ गए। 1933 में ही प्रदर्शित फिल्म राज रानी और 1934 में देव की बोस की फिल्म सीता की कामयाबी के बाद पृथ्वीराज कपूर ने बतौर अभिनेता अपनी पहचान बनाई। इसके बाद इन्होंने न्यू थिएटर की कई फिल्मों में अभिनय किया, मिसाल के तौर पर 1936 की फिल्म मंजिल और 1937 की फिल्म प्रेसिडेंट। सन 1935 में आई फिल्म विद्यापति जिसमें पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। रंजित मूवी टोन के बैनर तले निर्मित 1940 में आई फिल्म पागल में इन्होंने एंटी हीरो की भूमिका निभाई। सन 1941 में सोरा मोदी की फिल्म सिकंदर के बाद पृथ्वीराज कपूर अभिनय की बुलंदियों पर पहुंच गए। फिल्म सिकंदर, दहेज, आवारा, जिंदगी, 1965 की फिल्म आसमान महल, 1968 की एसएस वासन की फिल्म तीन बहुरानिया पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की वजह से यादगार मानी जाती है। फिल्म तीन बहुरानिया में बच्चों के साथ डांस और मौज मस्ती करते नजर आते हैं पृथ्वीराज कपूर। फिल्म मुगले आजम। दादाजी और दादाजी आप महान, आप सचमुच महान हैं दादाजी। में इन्होंने शहनशाह जलालुद्दीन अकबर के किरदार को अमर कर दिया। कितनी भी बार देखी ये फिल्म, हर बार उसी तन्मयता से देखी जाती है। रंगमंच पृथ्वीराज कपूर का पहला प्यार था, इसीलिए वे 1931 में शेक्सपियर्स के नाटक पेश करने वाली ग्रांड एंडरसन थिएटर कंपनी से जुड़ गए। 1944 में इन्होंने अपनी लागत से खुद की ही थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। दीवान, पठान, गदर, दहेज, पैसा उनके प्रमुख नाटक थे। उनके अभिनय को उनके परिवार ने विरासत में पाया। पृथ्वीराज कपूर के बेटे हिंदी सिनेमा के बेमिसाल अभिनेता और निर्देशक
राज कपूर की फिल्म आवारा में भी उन्होंने सशक्त अभिनय किया। कपूर खानदान की कई पीढ़ियां एक साथ एक फिल्म में नजर आई। फिल्म थी कल आज और कल। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर। दोस्तों, पहले पर्दे पर अभिनय के कई बारीक पहलुओं को अपने सशक्त अभिनय से साकार करने वाले इस बेमिसाल फनकार को कैंसर जैसे भयंकर मर्ज ने घेर लिया और 29 मई 1972 को इस फानी दुनिया को इन्होंने अलविदा कह दिया।